गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं क्लास 9 हिस्ट्री लेसन 2 पार्ट 2। इसका नाम है यूरोप में साम्राज्यवाद, समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, इसमें हम पहले पार्ट में अध्ययन कर चुके हैं कि यूरोप में समाजवाद का क्या अर्थ होता है, क्रांति कब आती है, किन कारणों से आती है, और फ्रांस में जब क्रांति आ गई थी तो यानी लोग जागरूक हो चुके थे अपने अधिकारों के विषय में। तो उसके बाद रूस में भी ये जो क्रांति फ्रांस में फैली थी, उसके बाद आस पास के क्षेत्रों में भी लोग जागरूक होते गए और पूरे विश्व में सभी अपने अधिकारों के बारे में सोचने लगे और सभी ने सरकार का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इस तरीके से हर जगह समाजवाद की स्थापना होते चली गई, जैसे जैसे लोग जागरूक होते चले गए, यानी सभी को संविधान के नियम का ज्ञान होने लगा और सभी संविधान चाहते थे, यानी सभी सभी को बराबर चाहते थे कि कोई छोटा बड़ा ना हो, सभी को बराबर का अधिकार मिले। इससे पहले वाले वीडियो में हम कई टॉपिक्स जान चुके हैं, आइए अब अध्ययन करते हैं आगे की ओर। तो 1905 रूसी मजदूरों के प्रतिनिधियों की परिषद, यानी जो सोवियत था वो क्या गठन करता था, रूसी मजदूरों के प्रतिनिधियों की परिषद का गठन हुआ 1905 में। 1905 में सोवियत संघ ने रूसी मजदूरों के प्रतिनिधियों की एक परिषद का गठन किया, यानी उस समय जो मजदूर वर्ग होते थे उसके अंदर वो अलग अलग कार्यों के अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग कमेटियां बनी हुई होती थी। जैसे कोई कोयले का काम कर रहा है तो उसके अंडर जो मजदूर है उन्होंने अलग कमेटी बना ली, कोई अगर चीनी का काम कर रहा है यानी शुगर का वर्क कर रहा है तो उसका उसने अपनी कमेटी अलग बना ली, कोई अगर द्वितीय क्रियाकलाप यानी विनिर्माण का कार्य कर रहा है तो उसने अपनी कमेटी अलग बना ली। तो उनकी कमेटी बनाई, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा भी एक परिषद का गठन हुआ कि जिसके अंतर्गत सभी प्रतिनिधियों का उस परिषद का कहना मानना होगा कि जो उनके मजदूरों का अधिकार होगा उनका सभी को अधिकार समान रूप से दिया जाएगा। इस तरीके से 1905 को एक रूसी मजदूरों के प्रतिनिधियों के परिषद का गठन हुआ। नेक्स्ट है खूनी रविवार, यानी 22 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग के जो मजदूर वर्ग था वो जॉन निकोलस के पास गए एक ज्ञापन देने के लिए कि उन्हें बराबरी का अधिकार दिया जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। तो इस पर वहां की पुलिस ने अंधाधुंध गोली चला दी जिससे 100 से भी अधिक मजदूर मारे गए और उस दिन को वहां के लोगों ने खूनी रविवार का नाम दिया। नेक्स्ट जून 1905 में रूस की संसद जिसका निर्माण जार निकोलस ने किया था, यानी ड्यूमा, वहां की संसद को कहा जाता है जहां पर लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि आकर बैठक में बैठते हैं और एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसका गठन 1905 में जार निकोलस ने किया था। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर प्रभाव, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था फिर 1914 में हुआ था और इसका क्या प्रभाव हुआ रूस पर, वहां पर रूस में 6 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग मारे गए, जान माल की हानि हुई और भारी नुकसान का सामना, यानी आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक तीनों प्रकार का हानि हुई किसको, रूस को, प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत। इसके बाद फरवरी 1917 की क्रांति, 25 जनवरी 1917 को जार निकोलस ने एक ज्ञापन दिया जिसके अंतर्गत संसद भंग हो गई, यानी संसद भंग कब हुई, यानी जो जार निकोलस को गठन हुआ था 25 फरवरी 1917 को। इसके बाद 2 मार्च 1917 को बोल्शेविक और मेंशेविक, बोल्शेविक कौन होते हैं, बोल्शेविक
संख्या अधिक मात्रा में होती है उनको हम बोल शेप कहते हैं, और मेन शेप वो होते हैं जिनकी मात्रा कम संख्या में होती है। तो 2 मार्च 1917 को जब जाट कांग्रेस ने 25 फरवरी 1917 को संसद यानी ड्यूमा को भंग कर दिया यानी खारिज कर दिया, उस दौरान बोल शेप और मेन शेप के नेता उसके विरुद्ध हो गए और उसको त्याग पत्र देने के लिए कहा और उसका विरोध प्रदर्शन किया, जिसके अंतर्गत 2 मार्च 1917 को जाट कांग्रेस ने अपना त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद है रूस में अंतरिम सरकार का गठन, यानी 2 अप्रैल 1917 को जब जाट कांग्रेस ने अपना त्याग पत्र दे दिया तो तुरंत उसी के बाद उनको उन्होंने अपनी सरकार बनाई और सरकार बनाकर अपने आप को मनोनीत किया। तो वो रूस में अंतिम सरकार का गठन हुआ था, वो क्या किसकी सरकार थी कहने से नहीं थी। अक्टूबर 1917 की क्रांति यानी जो लेनिन के बोल्शेविक नेता वो इस सरकार से नाखुश हुए, यानी उनको कार्य की उतने कार्य नहीं कर पाए ना तो वो लोग एकजुट कर पाए, तो वो सरकार की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। उसके बाद बोल्शेविक की सरकार यानी लेनिन ने कार्यभार को संभाला और उनकी सरकार अक्टूबर 1917 में सत्ता में आई। सामूहिकीकरण और खोज यानी ये कौन खोज एक ऐसे संगठन का नाम था जिसके अंतर्गत सभी की भूमि को एकजुट कर दिया गया, यानी किसी के पास अगर थोड़ी भूमि है या किसी के पास ज्यादा भूमि है तो सबको इकट्ठा कर दिया गया, यानी सामूहिक के रूप में कर दिया गया और उसके ऊपर जो खेती होती तो सभी को बराबर का अधिकार दिया जाता था और सबको बराबर की भूमि दी जाती थी, जिसके पास नहीं होती थी उसे कर लिया जाता था और वो उसके अकॉर्डिंग खेती करता था और उसके अकॉर्डिंग उसको पैदावार से मुनाफा होता था। तो ये जो सामूहिकीकरण है, भूमि का सामूहिकीकरण था, उसे ही गोल खोज का नाम दिया गया, ये ही है सामूहिकीकरण। इसके बाद दूसरी क्रांति की वैश्विक प्रभाव, साम्यवादी सरकार का गठन, यानी वैश्विक प्रभाव का अर्थ है कि दूसरे देशों के साथ भी इसके संबंध अच्छे होने लगे और दूसरे देश की रूस की क्रांति को देखकर या रूस के लोगों को मजबूर को देखकर वो भी संविधान की मांग करने लगे, जिसके अंतर्गत और देशों में भी वैश्विक प्रभाव पड़े, लोग जागरूक हुए और रूस में भी साम्यवादी सरकार का गठन हुआ, साम्राज्यवादी सरकार का अंत होने लगा। इज दैट क्लियर? ये हमारे लेसन 2 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। इसके विषय में अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।